वेलकम बैक इन द क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया ड्रॉट लेसन के बारे में, और ड्रॉट का हमने एक पैराग्राफ स्टडी किया, जिस पैराग्राफ में हमने ये स्टडी किया था कि गफूर जो है उसने गलतफहमी में, या यूँ कह सकते हैं थोड़ी सी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसकी वजह से उसने बिना सोचे समझे, जो उसका बैल महेश था उसके परिवार का एक मेम्बर था, उसकी फैमिली का एक मेम्बर था, उसको उसने मार दिया था। ओके, ये हमने स्टडी किया था, और उसके पीछे रीजन ये था कि उसने देखा नहीं, नॉर्मली थोड़ा सा वो गुस्से में था, और वहाँ से जमींदार के यहाँ से उसकी पिटाई हो गई थी, और वो पिटाई खा करके प्रताड़ित होकर के वहाँ से टॉर्चर होकर के और अपने घर आ गया था, और घर आकर के और चुपचाप सुना होकर के जो है वो बैठ गया, एक कोने में बैठ गया। अब एकदम से क्या होता है, अचानक उसकी जो बच्ची है वो कहीं बाहर पानी लेने गई हुई थी, और वो पानी लेके आती है, तो होता क्या है, वो बच्ची जो है एक तरह से फिसल जाती है। फिसलने से वो घड़ा जो है वो थोड़ा गिर जाता है, गिर करके और उसमें से पानी जो है नीचे टपकने लग जाता है, मान लो नीचे गिर जाता है और पानी बहने लग जाता है। अचानक उसकी चिल्लाने की सी आवाज़ आती है, धड़ाम की सी आवाज़ आती है, वो देखता है, और उधर जो वो महेश है वो अपना जो सिर है या अपना जो मुँह है उसको थोड़ा सा आगे करके और वो पानी को जो है वो चाटता रहता है, उसको पीता रहता है। वो अचानक ये सोचता है, कौन गफूर, की इसने ही बच्ची को गिराया है, और इसकी वजह से उसको पहले से गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जमींदार ने प्रताड़ित किया था उसको, उसकी वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से में आ गया, और उसने बिना सोचे समझे मिसअंडरस्टैंडिंग उसको हो गई कि बच्ची को जो है इसने पाने के लिए महेश ने गिरा दिया, पानी भी गिरा दिया, बच्ची को भी गिरा दिया। उस गलतफहमी की वजह से उसको भयंकर गुस्सा आ गया, और उसके पास में हल का जो हल होता है जोतने वाला, उसका हेड पड़ा हुआ था, ऊपरी हिस्सा पड़ा हुआ था, उसको उठा करके उसके सिर में मारी, और सिर में मारने से इतनी जोर से, इतनी वॉयलेंटली जो है उसने सिर में मारी कि अचानक उसके कानों से, महेश के कानों से खून बहने लगा, और थोड़ी देर में महेश जो है वो निढाल होकर के गिर गया। फिर उसके जस्ट बाद में जो है उसको थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये तो मैंने गलत कर दिया, उसको पता चला बच्ची ने जो बताया उसको कि ऐसा इसने नहीं किया है, ये महेश का काम नहीं है। फिर क्या होना था, जो होना था वो तो हो गया, उसको भयंकर पश्चाताप भी हुआ गफूर को, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन उसके बाद होना क्या, अब पछताए हो क्या, चिड़िया चुग गई खेत, ये अपन कह सकते हैं। तो पछताने से बाद में क्या मतलब तो है नहीं कोई, तो उसने बिना सोचे समझे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, और उसने अपने एक फैमिली मेम्बर को मौत के घाट उतार दिया। तो ये हमने उसमें स्टडी किया था, कहने का मतलब ये कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग में कभी कोई गलत डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जिसका खामियाजा हमें लास्ट में खुद को ही भुगतना पड़ता है। ओके, उसके जस्ट बाद में, थोड़ी देर बाद में जो कसाई होते हैं, टैनर्स होते हैं खाल उतारने वाले, वो आ गए हैं, उसको लेके चले गए हैं। एक बांस का जो बंबू है, बंबू मीन्स बांस, बांस का एक पॉल है, खंबा है, यूँ कह सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बांस है, उसको लेकर के आए हैं, उसके ऊपर बांध करके उसको ढंग से, और वो उसको लेके चले गए हैं। उसके जस्ट बाद देखिएगा क्या होता है। तो यहाँ पर हमने जो प्रीवियस पैरा, उसका हमने इस पैरा से लिंक किया है, इसका मतलब ये है कि हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ जाएं, और पिछला जो स्टोरी का पार्ट है उससे थोड़ा सा लिंक हो जाए, तो हमें थोड़ा अच्छी तरह से स्टोरी कैच हो जाए। अब इसके बाद देखो क्या होता है, उसका जो ले गए तो उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, उसका कौन जो टैनर्स हैं, कसाई हैं, वो क्या कर रहे हैं, देखो। शडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइव्स, शडरिंग का मतलब हिलाते हुए, एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइव्स, शाइनिंग मीन्स चमकते हुए, नाइव्स मीन्स चाकू, इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में जो चमकते हुए चाकू हैं उनकी, उनको वो हिला रहे हैं, उनकी साइड ऐसे हिलाते हुए वो दिख रहे हैं, चमकते हुए चाकू मतलब उसकी धार, उनकी जो तेज है, ओके, उसको वो हिला रहे हैं उन चाकुओं को, ओके। गफूर क्लोज्ड हिज आईज, गफूर ने अपनी आंखें बंद कर ली, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोला नहीं। ये महेश को ले जाते टाइम का सीन है, जो उसको ले जा रहे हैं, एक बांस का जो पॉल है उससे बांध करके उसको ले जा रहे हैं, उस वक्त का ये सीन है। लेकिन अब क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। गफूर को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पश्चाताप होता है, लेकिन इस टाइम ये वक्त ऐसा है कि उसने जो कर दिया वो कर दिया, अब वो पछताने के अलावा उसके पास में अभी कुछ नहीं है। ओके, बहुत बड़ा
लाइफ का उसने जो है एक रॉन्ग डिसीजन जो है उसने लिया और बिना सोचे समझे, ओके, तब जाके उसको इतना बड़ा जो है लॉस हुआ है। द नेबर्स इन्फॉर्म्ड हिम, पड़ोसियों ने उसको सूचना दी, किसको सूचना दी, गफूर को सूचना दी कि द लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्न। लैंडलॉर्ड ने जो है क्या किया है, लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्न टू आस्क फॉर एडवाइस, एडवाइस के लिए तारक रत्न को जो है उसने बुलाया है, किसने, जमींदार ने बुलाया है। क्या सूचना दी कि लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्न, तारक रत्न को एक तरह से बुलावा भेजा है टू आस्क फॉर एडवाइस। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पीनेंस, ये जो पश्चाताप है इसके लिए गफूर को क्या चुकाना होगा, विच द किलिंग ऑफ ए सैक्रेड एनिमल डिमांडेड, जिसके लिए एक जो पवित्र जो जानवर है उसने मांग की थी। कहने का मतलब एक पवित्र जानवर को मारने के लिए गफूर को अब क्या चुकाना होगा, क्या प्रायश्चित उसको करना होगा, ये एडवाइस लेने के लिए या इस एडवाइस के बारे में पूछने के लिए लैंडलॉर्ड ने किसको बुलाया, तारक रत्न को बुलाया, जो उसका एक तरह से एक नंबर का चापलूस है, या यूं कह सकते हैं उसका राइट हैंड है, यूं कह सकते हैं आप, क्योंकि इस प्रकार के लोग पहले हुआ करते थे, जो राजा के पास में राजा की बड़ाई किया करते थे और राजा को एक तरह से बांस पर चढ़ा करके रखते थे कि ठीक है साहब ऐसा ऐसा, मतलब हर काम में हाँ जी जो है वो करते थे। तो ऐसे जो लोग हैं पहले हुआ करते थे, आज भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, कहीं कहीं आज भी ऐसे लोग होते हैं, हर जगह दो चार लोग जो ऐसे मिल ही जाते हैं जो अपने मालिक के साथ में इस प्रकार का बिहेव करते हैं, हर बात में जो है मालिक की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो वैसे ही ये तारक रत्न भी एक ऐसा इंसान था, ओके। इसके जस्ट बाद में देखो, तो ये एडवाइस करने के लिए जो है, ये एडवाइस लेने के लिए बुलाया उसको, गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने उस टाइम कोई उत्तर नहीं दिया टू दीज रिमार्क्स, जो भी उसने टिप्पणियाँ की गफूर ने कोई आंसर नहीं दिया उनका, कोई रिप्लाई नहीं दिया, बट रिमेंड स्क्वेटिंग मतलब उकड़ू बैठा रहा, विद हिज चिन, चिन मीन्स ठुड्डी, रेस्टिंग ऑन हिज नीज, ठुड्डी को अपने घुटनों पर रख करके चुपचाप बैठा रहा। उसने किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं किया, न यस बोला न नो बोला। इस प्रकार की कंडीशन में वी कैन इमेजिन दैट, क्या कल्पना कर सकते हैं हम कि उसकी जो सिचुएशन है, किसकी, गफूर की, वो कैसी थी। एट दैट टाइम ही वॉज इन ए क्रिटिकल सिचुएशन आफ्टर किलिंग द महेश, महेश को मारने के बाद उसकी सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल हो गई थी कि वो जो है ही कुड नॉट इमेजिन, वो कल्पना भी नहीं कर सकता था, ओके। तो उसकी कंडीशन यहाँ बहुत बुरी हो गई, किसकी, गफूर की, क्योंकि उसने अपने फैमिली मेंबर का जो है एक तरह से यूं कह सकते हैं आप कत्ल कर दिया है, उसको मार दिया है। एमिना डियर, फिर उसकी जस्ट बात देखो, वो वहाँ से आ चुका है, चुपचाप बैठा है, कोई जिस प्रकार का कोई भी मोमेंट नहीं है, नो मोमेंट देयर, और क्या कहता अपनी बच्ची को कि एमिना डियर कम लेट्स गो, आओ हम चलें, या हम चलते हैं। सेड गफूर, गफूर ने कहा, राउजिंग, जगाते हुए इसको, हिज डॉटर, अपनी बेटी को जगाते हुए कहा, एट द डेड ऑफ नाइट, रात के सन्नाटे में, डेड मीन्स सन्नाटा है यहाँ, तो डेड ऑफ नाइट, रात का सन्नाटा, उस रात के सन्नाटे में अपनी बेटी को जगाते हुए कहता कि बेटा आओ अब हमें चलना है, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, ये जगह हमारे लिए जो है एक तरह से प्रॉपर सूटेबल नहीं है एक तरह से, तो अब यहाँ से हमें चलने में हमारा फायदा है, यहाँ हमें लॉस ही लॉस है, अब हमें यहाँ नहीं रुकना है। सी हैड फॉलन एस्लिप इन द यार्ड, यार्ड मीन्स आंगन, बच्ची जो है आंगन में सोई हुई थी। वेयर फादर, वहाँ सोई हुई बच्ची ने क्या बोला कि पापा कहाँ चलना है, पिताजी कहाँ चलने की बात कर रहे हो आप। सी आस्क्ड रबिंग हर आईज, उसने अपनी आंखों को रगड़ते हुए कहा कि पापा कहाँ चलना है, वो नींद में थी, तो नींद में उसने बोला कि पापा इतनी रात को इस टाइम कहाँ चलना है। तो गफूर क्या कहता है देखो, टू वर्क एट द जूट मिल, जो जूट की मिल है एक तरह से, सन मिल जो होती है या जूट मिल जो होती है, फूलवेड़े नाम की जगह है, वहां पर हमें काम करने के लिए चलना है। सेड द फादर,
पापा ने कहा या उसके पिताजी ने कहा कि फूलबड़े नाम की जगह है, वहां पर हम काम करने चलेंगे। इसके बाद देखिएगा, द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली, लड़की ने जो है अपने फादर की तरफ देखा। इनक्रेडुलसली का मतलब अविश्वसनीय रूप से, तो बच्ची ने जो है, लड़की ने जो अपने पापा की तरफ अविश्वसनीय रूप से देखा कि पापा ये कौन सी बात कर रहे हैं, इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं और अचानक उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि हमें फूलबड़े नाम की जगह पे काम करने चलना है। तो उसको बड़ा विश्वास नहीं हो रहा कि पापा इस टाइम जो है नाइट का टाइम है और रात के सन्नाटे में ये बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से अभी चलना होगा या चलना है। थ्रू ऑल हिज मिजरी, उसकी जो दयनीयता है, मिजरी मीन्स दयनीयता, ही हैड डिक्लाइंड टू गो टू फूलबड़े, उसकी दयनीयता ने उसको जो है एक तरह से मना कर दिया था कहाँ चलने के लिए, फूलबड़े में जाने के लिए मना कर दिया था उसकी दयनीयता ने। थ्रू ऑल हिज मिजरी, मिजरी उसकी जो दयनीयता, उसकी जो बुरी कंडीशन है, उसके माध्यम से जो है ही हैड डिक्लाइंड, उसने मना भी किया था टू गो टू फूलबड़े। तो क्या कहा उसने, नो रिलीजन, कोई धर्म नहीं है, नो प्राइवेसी फॉर वेमेन फोक देयर, वहाँ पर जो है क्या नहीं है, औरतों के लिए कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई गोपनीयता नहीं है। सी हैड ऑफन हर्ड हिम से, उसने ये भी कहते हुए सुना, पापा उसके पिताजी ये भी कह रहे हैं और उसने कहते हुए सुना है, क्या सुना था कि हरी अप माई चाइल्ड, बेटा जल्दी करो, हरी अप माई चाइल्ड जल्दी करो, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, हमें अभी काफ़ी दूर चलना है, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, हमारे पास चलने के लिए अभी रास्ता लंबा है, सेड गफूर, गफूर ने कहा। अमीना वॉज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बाउल, अमीना जो है वो कलेक्ट करने जा रही थी, कलेक्ट का मतलब एकत्रित करना, किसको, द ड्रिंक बाउल, जो उसका पानी पीने का जो कटोरा है उसको, इसके साथ में हर फादर्स ब्रास प्लेट और पिताजी की जो पीतल की प्लेट है उसको भी वो कलेक्ट करने जा रही है, क्योंकि इस प्लेट की वजह से उन्होंने दो कम से कम चार पांच बार जो है वो एक जो साहूकार है उससे रख करके, गिरवी रख करके और इससे पैसा लिया है और अपना जो गुजारा है वो क्रिटिकल कंडीशन में इन्होंने चलाया है। तो वो ब्रास प्लेट जो है वो यहाँ पर वो कलेक्ट करने में लगी हुई है, अपना जो भी सामान है जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए एकत्रित कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उस सामान को वो सेटअप कर रही है, कलेक्ट कर रही है। इसके बाद देखिएगा, लीव देम अलोन, उनको अकेला छोड़ दो बेटा, मतलब उनको छोड़ दो, हमें कोई मतलब नहीं है, दे विल लीव देम अलोन, डार्लिंग, डार्लिंग इज प्रिय, दे विल पे फॉर द पेनेंस फॉर द महेश, सेड गफूर, गफूर ने कहा कि वे जो है ये जो चीज़ें हैं पे फॉर द, दे विल पे फॉर द पेनेंस, पेनेंस प्रायश्चित, महेश के प्रायश्चित के लिए इनको जो है यहीं छोड़ दो, सेड गफूर, गफूर ने कहा कि महेश के लिए हम प्रायश्चित कर लेंगे, ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, तो ये हम प्रायश्चित के लिए यहाँ छोड़ देंगे, ये चीज़ें जो है वो क्या करेंगी, पे करेंगे इस चीज़ के लिए कि ठीक है महेश के लिए हमने सब कुछ यहाँ छोड़ दिया और जो लोग हैं वो इनको लेके चले जाएंगे, ओके। तो इस प्रकार से जो है लीव देम अलोन, उनको अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि एक इतने सालों से महेश के साथ में गफूर जो है वो यहाँ रह रहा है, जमींदारों के यहाँ पर वो काम कर रहा है, ओके। और इसके बाद में जमींदार जो है उनका साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में जमींदार जो उनका साथ नहीं दे रहे हैं, सूखा पड़ा हुआ है, तो जमींदारों को जो है उनका साथ देना चाहिए, जो भी वहाँ काम कर रहे हैं बेचारे मजदूर हैं उनका साथ देना चाहिए, ओके। मालिक कोई भी हो, अगर मजदूर मालिक के लिए रात दिन काम करता है, रात दिन उसके लिए एक करता है, तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में मालिक को अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी मजदूर हैं, उनको इस क्रिटिकल कंडीशन में, ऐसी विकट जो परिस्थिति है उसमें उसका साथ देना चाहिए, तब जाके मालिक जो है उसकी छवि का जो है एक तरह से छवि उसकी बनती है, बिगड़ती नहीं है। ऐसी कंडीशन में यदि एम्प्लॉय कोई भी है या मान लो मजदूर कोई भी है, वो अगर परेशानी में है, जैसे मान लो यहाँ पर ये गफूर परेशानी में है, ड्रोट पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, और इस कंडीशन में यदि वो जमींदार इसकी सहायता करता, ओके, तो इसको जाने की नौबत ही नहीं थी, आराम से अपना अपना गुजारा यहीं चलाता रहता, ओके, और उसके थोड़े दिन बाद में जब ये सिचुएशन कंट्रोल में आती तो वापस उसके यहाँ काम करने लग जाता।
लेकिन कई बार क्या होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है टाइम आदमी के साथ ऐसा करता है, जैसे मान लो इसके साथ में हुआ, गफूर के साथ में हुआ, इसको कितने दिनों से वहां रह रहा है, उसको वहां से वो प्लेस ही छोड़ के जाना पड़ा, तो ऐसा ये इसके मालिक को सोचना चाहिए था। मालिक जो कोई भी हो मालिक, यदि वो अपने एम्प्लॉय या अपने जो भी मजदूर वगैरह उनके साथ में अगर वो न्याय करता है, उनके साथ में अगर वो बना करके चलता है, तो उसका नेक्स्ट जो फ्यूचर है या जो आने वाला काम है, मान लो जो भी वो काम करते हैं, अभी मान लो उनका काम बंद पड़ा है, तो जब भी वो काम स्टार्ट होगा तो मजदूर जो है, कोई भी मजदूर होंगे, चाहे मिल के मजदूर हैं, चाहे वो किसी कंपनी के मजदूर हैं, वो इतना मन से मन लगा के काम करेंगे कि जितना नुकसान हुआ है ना बंद जब भी पड़ा था सिस्टम, उससे पता नहीं कितने गुना उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये आपस में मालिक और मजदूर, उनका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जहाँ भी ऐसा कॉम्बिनेशन है, आज बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, कंपनीज है, वहाँ पे मालिक और मजदूर के बीच में जहाँ भी कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पर वो कंपनी इतनी ग्रोथ करती है कि हम उसका इमेजिन नहीं कर सकते। ओके, खैर जो भी है, लेकिन हमने जो स्टोरी पढ़ा इसमें हमने ये स्टडी किया है कि यहाँ पर इसके जो जमींदार है, इसका जो मालिक है, उसने इसका साथ नहीं दिया, केवल और केवल प्रताड़ना के सिवा, टॉर्चर के सिवा, गफूर के साथ में उसने कुछ नहीं किया, केवल टॉर्चर ही किया है उसको। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके जस्ट बाद में हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा इसका ग्रामेटिकल पोर्शन, कि इसमें कौन कौन से ग्रामर के जो टॉपिक हैं उनका यूज किया गया है। ओके, लेट्स सी द ग्रामर पोर्शन ऑफ दिस पैराग्राफ। शडरिंग एट द साइट ऑफ द साइनिंग नाइव्स, शडरिंग मींस हिलाते हुए, एट द साइट ऑफ द साइनिंग नाइव्स, चमकते हुए जो भी चाकू हैं वो जो है एक तरह से उनकी साइट है, मतलब वो दिखने में ऐसे काफी चमकीले लग रहे, तो उनको हिला रहे हैं कौन, टेनर्स, थाल खींचने वाले, तो उनका काम ही यही, इन देयर हैंड्स, अपने अपने हाथों में। तो यहाँ पर ये पजेसिव केस है, यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, साइनिंग, चमकते हुए, वीपिंग के सर होते हुए, इस प्रकार आईआईजी जो इसमें होता हुआ, चलता हुआ, इस प्रकार जो वर्ड आते हैं या वर्ड्स आते हैं, तो वहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अ गफूर क्लोज्ड, यहाँ पर पास सिंपल टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, गफूर ने अपनी आंखें बंद कर ली, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन नहीं बोला, तो यहाँ पर भी पास सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेबर्स इन्फॉर्म्ड, पड़ोसियों ने सूचना दी, तो यहाँ पर इन्फॉर्म्ड जो है वो भी सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। हिम है या ऑब्जेक्टिव केस है, तो पड़ोसी ने उसको सूचना दी दैट कि द लैंडलॉर्ड हैड सेंट, कि जमींदार ने जो है उनको क्या किया था, बुलाया था, सेंट फॉर मींस बुलाया, किसको, तारक रत्न को, टू आस्क फॉर एडवाइस, एडवाइस पूछने के लिए, सलाह पूछने के लिए। तो हैड प्लस जो सेंट है ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके जस्ट बाद में है टू आस्क, ये टू इन्फिनिटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब टू लग जाता है पहले, तो उसको टू इन्फिनिटिव बोला जाता है, और ये बार बार आपको बताया जा चुका है कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है, तो उसको बुलाया एडवाइस के लिए। हाउ वुड गफूर पे, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, विल का पास्ट वुड होता है, तो गफूर को जो है क्या पे करना होगा, कैसे पे करना होगा, क्या प्रायश्चित, तो प्रायश्चित कैसे करें, विच द किलिंग अब ए सैकर्ड एनिमल डिमांडेड, जिसके लिए एक पवित्र जो जानवर उसको मारने के लिए उसने मांग की थी, किसने, एनिमल डिमांडेड, मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस एनिमल को उसने मारा है उसके लिए उसको क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा, कैसा उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, किससे, तारक रत्न से पूछ रहा है, कौन, जमींदार। तो यहाँ पर विल का पास्ट गुड हो गया। ओके, और डिमांडेड ये फिर से पास्ट टेंस जो है वो हो गया पास्ट सिंपल। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस है ये। ओके, सेकंड फॉर्म है मैट की, सेकंड फॉर्म मैट। रिमार्क्स, नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स, ऐसी टिप्पणियों का उसने कोई जवाब नहीं दिया, बट रिमेंड स्क्वेटिंग, उकड़ू बैठा रहा, रिमेंड मीन्स रहा, स्क्वेटिंग मीन्स उकड़ू, तो यहाँ पर यह रिमेंड जो है रहा, ये भी पास्ट टेंस हो गया। With his chin resting on his knees, और अपनी जो ठुड्डी है उसने अपने घुटनों पर रख रखी थी, और काफ़ी ज़्यादा चिंतन की, मेडिटेशन की मुद्रा में, एक तरह से दुख की मुद्रा में था वो,
चुपचाप शांति से बैठा हुआ था, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा या कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे पा रहा था या नहीं देने की कंडीशन में था। जवाब उसके पास था ही नहीं, जब उसको ये एक्सेप्ट है कि हाँ बिल्कुल उसने मारा है, बट वो जानबूझ के नहीं मारा है, केवल मिस अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से उसने गुस्से में ऐसा रॉन्ग स्टेप जो है वो उसने लिया है। एमिना डियर कम, एमिना डियर कि बेटा, एमिना को बोला बेटा आओ चले, लेट्स गो, यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, लेट्स मूव या लेट्स गो, आओ चले। सेड गफूर, तो यहाँ पर भी पास टेंस हो गया। राउजिंग, जगाते हुए हिज डॉटर अपनी बेटी को एट द डेड ऑफ नाइट, रात के सन्नाटे में बेटी को जगाते बोला कि चलो बेटा अब हम चलते हैं, यहाँ हमारा रहना उचित नहीं है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। सी हैड फॉलन एस्लीप, वो सोई हुई थी या सो चुकी थी एक तरह से पहले से, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। कहाँ सोई हुई थी वो? इन द यार्ड, आंगन में। वेयर फादर, तो उसने एक तरह से नींद में ही बोला, थोड़ा बहुत उसको पता था, कंप्लीटली उसको नींद नहीं आ रही थी, तो मतलब पापा कहाँ चलना है। सी आस्क्ड, उसने पूछा, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस। रबिंग हर आईज, अपनी आंखों को रगड़ते हुए पूछा कि पापा कहाँ चलना है। ओके, हर यहाँ पजेसिव केस हो गया। टू वर्क एट द जूट मील एट फुल बेडे, टू वर्क, यहाँ पर टू इन्फिनिटिव हो गया फिर से, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लग रहा है, टू लग रहा है। कहाँ काम करने? जूट मील, जो फूल बेड़े नामक जगह है वहां पर भी हमें काम करने चलना है। सैड फादर, पापा ने कहा या पिताजी ने कहा, तो सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस। गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली, लड़की ने जो है पापा की तरफ अविश्वसनीय रूप से देखा। लुक्ड पास्ट सिंपल टेंस हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लुक होती है, थर्ड फॉर्म लुक्ड होती है, और ये भी सेकंड फॉर्म है यहाँ पर लुक्ड। थ्रू ऑल हिज मिजरी, उसकी दयनीयताओं के रूप में या दयनीयताओं के माध्यम से ही हैड टू डिक्लाइन, उसने मना कर दिया। उसकी दयनीयता जो है, उसकी बहुत बुरी कंडीशन है, तो उसने क्या मना कर दिया, टू गो टू फूल बेड़े, फूल बेड़े जाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन मजबूरी में उसको जाना पड़ा, उपाय नहीं उसके पास में कोई भी। नो रिलीजन, कोई धर्म नहीं। नो प्राइवेसी फॉर वुमेन, फॉर औरतों के लिए कोई भी प्राइवेसी नहीं है, कोई गोपनीयता नहीं है वहाँ पर। सी हैड ऑफन हर्ड हिम से, उसने जो है, सी हैड ऑफन हर्ड, उसने सुना था उसको ये कहते हुए, फिर भी वहाँ जा रहे हैं, लेकिन क्या है, क्रिटिकल कंडीशन है, काम नहीं है यहाँ पर, तो काम करने के लिए इंसान को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, चाहे उसके वो स्थान जो है फेवर में है या वो स्थान उसके लायक है या नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में कई बार क्या होता है, इंसान को जहाँ नहीं जाने की इच्छा है वहाँ भी उसको जाना पड़ता है। इसके बाद देखो क्या कहा उसने अपनी बेटी को, हरी अप बेटा, हरी अप माई चाइल्ड, बेटा जल्दी करो, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, हमें बहुत लंबा रास्ता भी चलना है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस हैव का यूज मैन वर्ब के रूप में है। सैड गफूर, गफूर ने कहा कि बेटा जल्दी करो, हमें भी लंबा रास्ता तय करना है। अमीना वॉज गोइंग टू कलेक्ट, अमीना जो है वो एकत्रित करने जा रही थी, तो वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी मीन्स पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जा रहा है यहाँ। क्या क्या कलेक्ट कर रही है वो? ड्रिंक बाउल, जो पानी पीने का उसका कटोरा है वो, और हर फादर्स ब्रास प्लेट, और पिताजी की जो पीतल की प्लेट है वो सब जो है, जो जो सामान इमरजेंसी है उनको या जो जो आवश्यक है उस सामान को वो कलेक्ट कर रही है। तो पापा क्या कह रहे हैं देखो कि लीव देम अलोन, उनको जो है यहीं छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, मतलब उनको यहीं छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं है। दे विल पे, इन चीज़ों से क्या होगा, पे फॉर द पेनेंस फॉर महेश, सेड गफूर, ये जो चीज़ें हैं ना, ये महेश के पश्चाताप के लिए, जो प्रायश्चित है उसके लिए हम ये चीज़ें यहाँ छोड़ देते हैं, वो ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, सैड गफूर, गफूर ने कहा। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है, और यहाँ पर दे विल पे, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल है। ओके, इस प्रकार से जो है, इसने किसने कहा, गफूर ने कहा कि हमने या हमारे से जो भी एक तरह से गलती हुई है, बहुत बड़ा हादसा जो हमारे हाथों हो गया, मेरे हाथों हो गया, उसके पश्चाताप के लिए या इसके प्रायश्चित के लिए हम इन चीज़ों को यहाँ पर छोड़ देते हैं, और वो हो सकता है ले जाएंगे, तो इसका यूँ मान लेंगे कि इनको बेच करके मान लो, या इनको कैसे भी वो अपना यूज करेंगे, लेकिन हम ये सोच लेंगे, हमने गफूर ये सोच रहा है कि इसके प्रायश्चित के लिए, किसके, महेश को मारने के प्रायश्चित के लिए हम इनको यहाँ छोड़ देते हैं। ओके, इस प्रकार से हमने जो है इस पैराग्राफ को स्टडी किया है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई लैंग्वेज, अंडरस्टूड दिस
ट्रांसलेशन। अब आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इसके जो भी मैन वर्ब है, इसके जो मैन वर्ब के फॉर्म है मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, वो देखेंगे, टेंसेस का जो यूज हुआ है वो देखेंगे, ओके, और इसका फिर से एक बार ट्रांसलेशन करेंगे। फिलहाल हम लेसन जो है फाइनल टच में है, नो प्रॉब्लम, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस लेसन, ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।